इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। 19 दिसंबर सोमवार को राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ द्वारा जिला कलेक्टर को दिया गया ज्ञापन। कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि सीतापुर ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक श्री अमित कुमार मालो को जान से मारने की नियत से हमला किया गया। व्यवस्थापक द्वारा 12 नवंबर 2022 को राज्य सरकार के आदेश अनुसार दो बेकार वितरण किया जा रहा था। हमलावर सरकार के आदेश की अवहेलना कर 5 बैग मांग रहा था। व्यवस्थापक के नियम में 5 बैग नहीं दिया जा सकता, तो वहीं गिराज खटाना पुत्र चंदा लाल गुज्जर निवासी का गोश्त ने जान से मारने की धमकी दी। फलस्वरूप आरोपी ने 17 दिसंबर 2022 को कुल्हाड़ी से सीतापुर माइनर नहर पर व्यवस्थापक अंतिम कुमार मानव पर प्राण घातक हमला किया गया। ज्यादा मारपीट होने की वजह से उसके हाथ एवं पैर फ्रैक्चर हो गए। आसपास के ग्रामीणों को पता चलने पर हमलावर वहां से भाग चुका। ग्रामीणों ने घायल व्यवस्थापक को कोटा के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसका वर्तमान समय में इलाज चल रहा है। इस घटना से जिले के समस्त ग्राम सेवा सहकारी समिति के कर्मचारियों के बीच आक्रोश व्याप्त हुआ। खाद वितरण 2 पैक करने का आदेश राज्य सरकार द्वारा दिया हुआ है, उसी हिसाब से समिति खाद वितरण कर रही है, जिसके चलते आए दिन व्यवस्थापक के साथ धक्का मुक्की एवं गाली गलौच होती रही है। सहकारी समिति के कर्मचारी संघ द्वारा आरोपी के खिलाफ 2 दिवस में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, अन्यथा सभी सरकारी समिति के कर्मचारियों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इंडियन टीवी न्यूज से संवाददाता पुरुषोत्तम बूंदी। अंतिम कुमार मालो थालडा से आ रहा था। थालडा से अलकोरिया माइनर सीतापुर माइनर के रास्ते पे उस पर एक प्राणघातक हमला हुआ। आरोपी थे 7, एक को तो शिनाख्त हो गई, पहचान लिया उसको, उसका नाम तो दर्ज करा दिया। लेकिन हमारी ये कि उस आरोपी को पकड़ के सही धारा उचित धारा में लगा के और केस को हल्का ना बनाया जाए, केस को मजबूत बना के उनको सजा दी जाए, ये हमारी मांग है। मांग पूरी नहीं तो क्या करेंगे? मांग पूरी नहीं होगी तो हड़ताल पर बैठेंगे, अनशन जारी करेंगे। नाम बताओ आपका? रामेश्वर मालो। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।